नमस्ते, मैं डॉक्टर प्रदीप वर्धनी कार्डियोलॉजिस्ट और आज हम बात करेंगे ब्लड प्रेशर के बारे में। मोस्ट कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन जो है गूगल से, वो मैंने कुछ लिखे और उनमें से कुछ क्वेश्चंस का मैं आंसर देने की कोशिश कर रहा हूँ। और जो भी मोस्ट ऑफ दी आपको जो ब्लड प्रेशर के बारे में क्वेरीज होगी वो इसमें सॉल्व होगी ऐसा मुझे लगता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन है कि ब्लड प्रेशर के कारण क्या है, क्यों मुझे ब्लड प्रेशर होगा या क्यों फ्यूचर में मेरे साथ में ब्लड प्रेशर होने के चांसेस रहेंगे। तो सबसे पहला कारण इसेंशियल हाइपरटेंशन, यानी जिसका कोई कारण नहीं। ये एज के हिसाब से आपको आ सकता है, जेनेटिक्स के हिसाब से आ सकता है, फैमिली हिस्ट्री के कारण आ सकता है। तो ये होगा इसेंशियल हाइपरटेंशन। उसके बाद में बात आती सेकेंडरी हाइपरटेंशन। सेकेंडरी हाइपरटेंशन यानी किसी चीज के कारण आपको हाइपरटेंशन हो, जैसे आपको किडनी का प्रॉब्लम है तो आपको किडनी का प्रॉब्लम के कारण ब्लड प्रेशर होगा, थायराइड का प्रॉब्लम है, ब्लड हार्ट अटैक है, खून कम है, एनीमिया है, कुछ कनेक्टिव टिश्यू डिसीज है, कुछ हार्मोन का प्रॉब्लम है तो इसके कारण हो सकता है, स्ट्रेस है, एंजाइटी डिसऑर्डर और कुछ कारण है जिसके कारण हो सकता है। तो प्राइमरी और सेकेंडरी हाइपरटेंशन ये मोस्ट कॉमन कॉज है। अभी यंग एज में जो आजकल हाइपरटेंशन हो रहा है उसका मुख्य कारण जो मुझे लग रहा है वो है स्ट्रेस, लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल बोले तो मैं क्या बोलना चाहता हूँ, तो लाइफस्टाइल में सबसे पहले लोग सोते ही नहीं, लोग 4 घंटा सोते, 5 घंटा सोते और काम पे चले जाते, 2-2, 3-3 घंटा मोबाइल देखते रहते रात में, फिर नींद नहीं होती और फिर काम पे चले जाते। तो जो नींद नहीं हो रही है, स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब है, रात में लेट सोते हैं, सुबह जल्दी उठ जाते हैं या लेट उठ जाते हैं, या दिन में सोते हैं और फिर रात में जगते हैं, उसके कारण जो स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब हो रहा है वो भी वन ऑफ द कारण है जिसके कारण यंग एज में हाइपरटेंशन है। साथ में यंग एज में हाइपरटेंशन रहने का दूसरा ये कारण है कि एडिक्शन या स्मोकिंग, अल्कोहल, बीड़ी, तंबाकू, बाकी के जो नशे हैं वो जो नशा करना, उसके कारण भी यंग एज में हाइपरटेंशन होने के कारण। तो ये हो गए कुछ कारण जिसके कारण हाइपरटेंशन होता है। अभी हाइपरटेंशन को समझते हैं। हाइपरटेंशन यानी आप देखेंगे ब्लड प्रेशर मशीन रहेगी तो ब्लड प्रेशर रीडिंग में मशीन में दो रीडिंग आएंगे, एक तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर यानी ऊपर वाला ब्लड प्रेशर और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर यानी नीचे वाला ब्लड प्रेशर। अभी सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर अगर 120 से ऊपर है और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर अगर वो 80 से ऊपर है तो हम उसे ब्लड प्रेशर बोलते हैं। उसमें भी बहुत सारे ब्लड प्रेशर की रेंजेस है, उसमें हम पहले प्री हाइपरटेंशन बोलते हैं, फिर हाइपरटेंशन स्टेज 1, स्टेज 2 और फिर सीवियर हाइपरटेंशन, मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन, बहुत सारे उसमें क्लासिफिकेशन। लेकिन एक कॉमन इसके लिए हम मान के चलेंगे कि 130-80 से ऊपर जो ब्लड प्रेशर है, अगर आपका ब्लड प्रेशर 130 और 80 से ज़्यादा है तो आपको ब्लड प्रेशर। अभी लोग पूछते हैं कि ये डॉक्टर साहब मुझे ब्लड प्रेशर तो है लेकिन कौन सी मशीन से चेक करना चाहिए, डिजिटल से करना चाहिए या मर्क्यूरी जो आता है उससे करना चाहिए। तो अभी डिजिटल से आप घर बैठे चेक कर सकते हैं, वो क्या मर्क्यूरी से ज़्यादा एक्यूरेट है तो नहीं, मर्क्यूरी से ज़्यादा एक्यूरेट नहीं है, लेकिन मर्क्यूरी अगर आप यूज़ करते हो तो आपको एक ये स्टेथोस्कोप चाहिए, साथ में आपको वो मर्क्यूरी से मेजर करने की आदत चाहिए, ये चीज़ें होती है। साथ में उसमें आपका हियरिंग कैसा होता है, कहीं पे गलत तो नहीं होता है, तो उसमें एग्जैक्ट नंबर भी नहीं आता, उसमें ऑड और इवन ऐसे नंबर नहीं आते, उसमें इवन नंबर ही आते हैं। तो डिजिटल में वो एक अच्छा है कि उसमें इवन नंबर भी एग्जैक्ट नंबर उसमें दिखाया जाता है, तो वो एक चीज़ है। अभी अगर आप मुझे पूछेंगे तो होम ब्लड प्रेशर के मॉनिटरिंग के लिए डिजिटल ब्लड प्रेशर अपराटस अच्छा है। अगर डॉक्टर को लगता है कि डिजिटल ब्लड प्रेशर अपराटस में कुछ तकलीफ है या डिजिटल ब्लड प्रेशर अपराटस में आपका ज़्यादा है तो आपका वो मर्क्यूरी ब्लड प्रेशर अपराटस से चेक कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन है कि क्या होम ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग सच में उपयोगी है, इफेक्टिव है, यानी डॉक्टर साहब मुझे ब्लड प्रेशर है तो क्या मैं अपना ब्लड प्रेशर घर पे चेक करूं? तो मैं सलाह देता हूं कि अगर आपको ब्लड प्रेशर है
आपकी दवाई अच्छी चल रही है, आपका जब भी आप डॉक्टर के पास में जाते हैं आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है, तो आपको घर पे ब्लड प्रेशर चेक करने की जरूरत नहीं है। उससे क्या होता है, घर पे ब्लड प्रेशर चेक करने के कारण अगर बड़ा आता है तो आपका एड्रेनलिन यानी हार्मोन्स बढ़ जाते हैं, स्ट्रेस बढ़ता है और ब्लड प्रेशर नहीं होते भी ब्लड प्रेशर फिर बढ़ने लगता है। तो अगर आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, बीपी मेडिसिन से कंट्रोल हो रहा है, तो आपको मेडिसिन से ब्लड प्रेशर मेजर करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आपको डॉक्टर ने बोला है कि आपको ब्लड प्रेशर आपका मेजर करना है, आपको घर पे मॉनिटरिंग करना है, तो आप जरूर ब्लड प्रेशर मेजर कर सकते हैं, तब ये उपयोगी हो सकता है। अभी उसके बाद में एक क्वेश्चन है कि ब्लड प्रेशर होने के कारण क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो ब्लड प्रेशर होने के कारण आपको किडनी का प्रॉब्लम हो सकता है, हार्ट का प्रॉब्लम हो सकता है, हार्ट अटैक या हार्ट फेलियर हो सकता है, थायराइड, डायबिटीज और बाकी की जो लाइफस्टाइल डिसीजेस है वो होने का खतरा हो सकता है, स्ट्रोक या पैरालिसिस होने का खतरा हो सकता है, बाकी की बहुत सारी चीजें जो ब्लड प्रेशर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इफेक्ट करता है आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ पे, आपके मेंटल स्टेटस पे, आपकी फिजिकल कैपेबिलिटी पे, ये सब पे भी ब्लड प्रेशर का इफेक्ट होता है। तो ब्लड प्रेशर के कारण होने वाले कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा है। ब्लड प्रेशर के कारण पेरिफेरल आर्टरी डिसीज हो सकता है, गैंग्रीन हो सकता है, आपको कोई सर्जरी करना है तो वो हाई रिस्क हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन हम मान के चलेंगे कि कुछ कुछ मोटी मोटी चीज़ें जो मैंने आपको बताई वो ब्लड प्रेशर के कारण हो सकती है। अभी मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे हाई ब्लड प्रेशर है, यानी उसके रोग लक्षण क्या है। तो 90% ऑफ टाइम ब्लड प्रेशर की कोई रोग लक्षण ही नहीं आता, इसके कारण ही वो ज़्यादा डेंजरस हो जाता है, क्योंकि आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपको ब्लड प्रेशर है। बहुत सारे पेशेंट हमारे पास में आते हैं, उनको जब हम बताते हैं कि आपको ब्लड प्रेशर है उनको शॉक लग जाता है, वो बोलते हैं कि डॉक्टर साहब नहीं मुझे ब्लड प्रेशर है ही नहीं। तो उनको समझाना पड़ता है कि आपको ब्लड प्रेशर है, आपका 2-3 बार हमने ब्लड प्रेशर हम उनका देखते हैं, उसके बाद में भी बीपी आता है, तो वो थोड़े कन्विंस हो जाते हैं। तो ब्लड प्रेशर के कोई रोग लक्षण नहीं होते। कुछ कुछ लोगों हेडेक हो सकता है, थकावट हो सकती है, सांस में भारीपन लग सकता है, थोड़ा सा अनइजीनेस या एंजाइटी टाइप कुछ तो लग सकता है, ऐसा लगेगा कि दिन भर अच्छे से काम कर रहे थे पहले और रात को थकते नहीं थे, अभी रात को थक रहे, तो ये सब चीजें हो सकती है। लेकिन जहां तक है मैक्सिमम टाइम आपको कोई ब्लड प्रेशर के कारण रोग लक्षण नहीं दिखेंगे, ये आपको रूटीन चेकअप पे पता चल सकता है। इसलिए मैं आपको हमेशा लोगों को आजकल बोलने लगा हूँ कि लाइफस्टाइल डिसीजेस बढ़ रहे हैं तो आप कम से कम 6 महीने में तो भी एक बार आपका ब्लड प्रेशर चेक करवाइए, 2 मिनट का काम है। कहीं पे भी जनरल प्रैक्टिशनर के पास में जाके, फिजिशियन के पास में जाके, कार्डियोलॉजिस्ट के पास में जाके, जिसके पास में आप जाना चाहते हो, जिसके पास में बीपी अपरेटस है, आप ब्लड प्रेशर जाके चेक करवा लें 6 महीने में एक बार, तो भी अगर आपको नहीं भी है तो ही आपको पता चलेगा, अर्ली डिटेक्शन होगा। और अर्ली डिटेक्शन अगर होता है तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन प्रिवेंट हो सकते हैं, टाले जा सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया हार्ट अटैक, किडनी के प्रॉब्लम, स्ट्रोक, किडनी और बाकी जो प्रॉब्लम है सब कुछ। लिस्ट लंबी है कॉम्प्लिकेशंस की, सभी को पता है। उसके बाद में बात आता है कि डाइट से क्या ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो सकता है, क्या डाइट का ब्लड प्रेशर होने में और कंट्रोल करने में, प्रिवेंशन में क्या रोल है। तो डाइट एक लाइफस्टाइल का पार्ट है। अगर आपकी डाइट हेल्दी है, आपको कोलेस्ट्रॉल नहीं है, आपको डायबिटीज नहीं है, तो आपको ब्लड प्रेशर होने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। हाँ, अगर आपको ब्लड प्रेशर होके भी गया है तो भी अगर आप अच्छी हेल्दी डाइट मेंटेन करते हो तो आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आने में मदद होगा, क्योंकि सोडियम कंटेंट अगर आपका डाइट का ज़्यादा है तो आपको ब्लड प्रेशर होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, पोटेशियम कंटेंट अगर कम है तो ब्लड प्रेशर होने के चांसेस होते हैं। तो इसलिए जो सॉल्टी चीज़ें हैं वो आपको कम खानी है और जो पोटेशियम रिच फूड है वो ज़्यादा खाना है, एक ये हो गया। उसके बाद में जो जंक फूड रहता है उसमें वैसे भी सोडियम ज़्यादा रहता है, बाकी एडेड फ्लेवर्स रहते हैं, शुगर ज़्यादा रहता है,
ब्लड प्रेशर होने के चांसेस है, लेकिन ऐसे बहुत मिनिमम ड्रग है, उसके बारे में अभी डिस्कशन उतना वर्थवाइल नहीं है। यंग हाइपरटेंशन के बारे में मैंने बताया। हाँ, फैमिली हिस्ट्री का क्या ब्लड प्रेशर के ऊपर इफेक्ट है? बिल्कुल ब्लड प्रेशर के ऊपर इफेक्ट है। अगर आपके मम्मी पापा या भाई बहन को ब्लड प्रेशर है तो आपको ब्लड प्रेशर होने के चांसेस ज्यादा है। जेनेटिक्स, फैमिली, ये ब्लड प्रेशर पे इफेक्ट डालता है। अभी एक ये भी क्वेश्चन है कि क्या वेट और ब्लड प्रेशर का इफेक्ट है? तो बिल्कुल वेट और ब्लड प्रेशर का इफेक्ट है। अगर आपका वेट ज्यादा है तो आपको ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल होने के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि आपके हार्ट को, आपकी हर सिस्टम को ज्यादा काम कराना पड़ रहा है, आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम को काम करना ज्यादा पड़ रहा है। क्या फीमेल और मेल में ब्लड प्रेशर की कुछ ज्यादा चांसेस है? ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपका एज ज्यादा है, आपका वेट ज्यादा है, तो मोस्ट इतना जेंडर का फर्क पड़ता नहीं है, एज का फर्क पड़ता है। जिनका एज ज्यादा है, जो ओल्ड एज है, उनको ब्लड प्रेशर होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं कंपेयर टू यंग। ठीक है, उसके बाद में और कुछ क्वेश्चन है, जैसे एक्सरसाइज फॉर ब्लड प्रेशर, क्या एक्सरसाइज से ब्लड प्रेशर प्रिवेंट किया जा सकता है? तो बिल्कुल एक्सरसाइज से ब्लड प्रेशर प्रिवेंट हो सकता है, काफी मात्रा में ये सच है। अगर आपकी डाइट हेल्दी है, एक्सरसाइज आप रेगुलर वे कर रहे हो, आप स्ट्रेस भी हो, तो आपको एक्सरसाइज से ब्लड प्रेशर प्रिवेंट होने के चांसेस पूरे पूरे। तो क्या एक्सरसाइज करनी चाहिए? तो एरोबिक और एनारोबिक का मिक्स होना चाहिए, कुछ मसल बिल्डिंग के लिए भी होनी चाहिए, कुछ कार्डियक एक्सरसाइज जिसे हम कार्डियो एक्सरसाइज बोलते हैं वो होनी चाहिए। तो इसमें सब कुछ मिक्स होना चाहिए, ताकि यंग एज अगर आपका है तो आपको थोड़ी मसल बिल्डिंग की जरूरत है, अगर आपका ओल्ड एज है तो आपको ज़्यादा कार्डियक एक्सरसाइज की जरूरत है। तो ये कुछ चीज़ें हो। उसके बाद में हाँ, अगर मैं ब्लड प्रेशर का मेडिसिन मिस कर देता हूँ तो मुझे कब क्या एक्शन लेनी चाहिए, इसके बारे में भी काफ़ी डाउट्स है। तो अगर आपका ब्लड प्रेशर का मेडिसिन मिस हो गया, यानी समझो आपका सुबह का डोज था, आप मिस हो गया, आपको शाम को पता चल गया, तो आपको शाम को ब्लड प्रेशर की मेडिसिन ले लेनी चाहिए। अगर आपका शाम का डोज कोई एक्स्ट्रा मेडिसिन नहीं है आपको शाम को, हाँ अगर आपको शाम को कोई दूसरा मेडिसिन तो फिर क्या करना चाहिए? तो अगर शाम को आपका दूसरा मेडिसिन है और सुबह का डोज मिस हुआ है, तो एक को आप एक बार ब्लड प्रेशर आपका चेक करा लीजिए। अगर ऐसा लगता है कि ब्लड प्रेशर लोअर साइड पे, तो सिर्फ आप शाम का मेडिसिन लीजिए और सुबह का फिर दूसरे दिन से चालू रखिए। अगर ऐसा लगता है कि ब्लड प्रेशर काफ़ी ज़्यादा है तो दोनों मेडिसिन आप साथ में ले सकते हैं। ये काफ़ी ट्रिकी हो जाता है कभी कभी ब्लड प्रेशर मेडिसिन मिस करना, तो इसलिए कोशिश कीजिए कि मेडिसिन रेगुलरली लीजिए और टाइम पे लीजिए। हाँ, कुछ लोगों का ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लगा मुझे कि डॉक्टर साहब, मैंने बीपी की दवाई चालू कर दी, अभी क्या ये जिंदगी भर रहने वाली है? तो नहीं, बीपी की दवाई जिंदगी भर रहने के चांसेस कम है। अगर आपका एज कम है तो आपको बीपी की दवाई लाइफ लॉन्ग रहने की चांसेस कम है। हाँ, अगर आपका एज ज्यादा है, आप 50+ हो, आपको रिस्क फैक्टर बहुत सारे है, ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, थायराइड है, तो आपको लाइफ लॉन्ग होने के भी चांसेस हो सकते हैं, है ना? तो बीपी की दवाई बिल्कुल बंद हो सकती है, कम हो सकती है, वो आपके ऊपर डिपेंड है। ये एक ऐसी बीमारी है जो पेशेंट खुद अपने को ट्रीट कर सकता है अगर उसने अपनी लाइफस्टाइल अच्छी की। दवाई की भी जरूरत कम पड़ सकती है, ना भी पड़ सकती है। ठीक, व्हाइट कोट हाइपरटेंशन एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि डॉक्टर साहब, मैं घर पे बीपी अच्छा रहता है, मैं डॉक्टर साहब के पास जाता हूँ, मेरा बीपी बढ़ जाता है, तो इसे हम बोलते हैं व्हाइट कोट हाइपरटेंशन। तो व्हाइट कोट हाइपरटेंशन में इसमें क्या होता है कि हम जनरली उनको होम ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग की भी सलाह देते हैं, यानी ऐसे पेशेंट जो डॉक्टर से बहुत डरते हैं, डॉक्टर का व्हाइट कोट देखा इनका बीपी बढ़ा, डॉक्टर के केबिन में गए इनका बीपी बढ़ा, तो फिर उनको हम बोलते हैं कि आप घर पे बीपी चेक करो और हमें रीडिंग बताओ, तब और फिर उसके हिसाब से हम बीपी की मेडिसिन चालू करते हैं। तो व्हाइट कोट हाइपरटेंशन का भी इफेक्ट होता है, और ये भी काफ़ी एक है टर्म है ये, और ये सच में एग्जिस्ट करता है। मेरे साथ पास में भी ऐसे कुछ पेशेंट्स आते हैं जिनको व्हाइट कोट हाइपरटेंशन रहता है। हाँ, अभी एक रीडिंग मेरा ब्लड प्रेशर का ज़्यादा आ गया तो क्या मैं खुद को ब्लड प्रेशर का मरीज समझूँ? नहीं, बिल्कुल हम रिकमेंडेड करते हैं कि कम से कम दो रीडिंग तो चाहिए, कंफर्टेबल पोजीशन में चाहिए,
रिलैक्स पोजीशन में, रिलैक्स मूड में चाहिए। चाय कॉफी नहीं लेना चाहिए आपने कम से कम एक घंटा पहले। कुछ अल्कोहल का सेवन नहीं करना चाहिए आपने। कुछ एक्सरसाइज करके नहीं आनी चाहिए। हेवी कुछ मेंटल स्ट्रेस में आप नहीं चाहिए। तब कंफर्टेबल पोजीशन में सिटिंग रिलैक्स पोजीशन में जब आप ब्लड प्रेशर चेक करते हैं और तब जो बढ़ के आता है तब हम उसे ब्लड प्रेशर मानते हैं, और वो भी दो रीडिंग के बाद, है ना। और मोस्टली हम एक बार रीडिंग अगर ज़्यादा बढ़ के भी आता है, दो बार भी आता है, तो भी हम कुछ एक महीना कम से कम उनको लाइफस्टाइल चेंजेस की सलाह देते हैं और बोलते हैं कि आप बीपी मॉनिटर करो, ज़्यादा रहे तो आप टैबलेट लेना, कम रहे तो नहीं लेना। पहले एक महीना हम कोशिश करते हैं कि जितना लाइफस्टाइल से हो जाए, डाइट से हो जाए, कोशिश करते हैं कि हम मेडिसिन ना चालू करें। अगर उससे भी होता है तो हम फिर मेडिसिन चालू करना पड़ता है। उसके बाद में बहुत सारी अभी होम ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग मशीन्स आ चुकी है, और सेंट्रल ऑर्डिक ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग है, और बहुत सारी ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग के डिवाइसेस आ चुके हैं। तो हाँ, होम ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग हम रेकमेंड करते हैं। एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग, यानी इसमें जब एम्बुलेटरी बीपी अपरेटस लगा होता है और वो बीपी रिकॉर्ड करते हैं, वो भी हम रिकमेंड करते हैं। ये लेकिन कुछ स्पेसिफिक पॉपुलेशन या स्पेसिफिक पेशेंट पॉपुलेशन में ये करना चाहिए, जिनको सच में ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा, एक तो बहुत ज़्यादा कम ज़्यादा उसमें फ्लक्चुएशन आ रहे हैं, या जिनके डायग्नोसिस में यानी निदान में सच में इनको ब्लड प्रेशर है कि नहीं वो डाउट आ रहा है, तो ये एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर और मॉनिटरिंग और होम ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग तब बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। तो ये हो गए कुछ मोस्ट कॉमनली क्वेश्चन ब्लड प्रेशर के बारे में जो लोगों ने पूछे थे। ब्लड प्रेशर के बारे में और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, उसके बारे में और एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, क्योंकि अभी ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो जरूर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक मेरे YouTube चैनल डॉक्टर प्रदीप वर्गनी को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।